हेलो फ्रेंड, मैं गणेश कुमार, गणेश टिप चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आप एक्सिस बैंक का, ठीक है ना, आप एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड कैसे आप खुद से अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको यही डिस्कस करने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। बस आपको एक ही चीज़ करना है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिएगा। तो दोस्तों, आपको सिंपल सा करना क्या है, आपको जो इसका मोबाइल जो बैंकिंग एप्लीकेशन है इसको आपको ओपन कर लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे ओपन करके रखा हूँ, लॉगिन का ऑप्शन बटन आ रहा, आप लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करके आप इसे लॉगिन सिंपल से डायरेक्ट कर सकते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आपको आने वाली है। तो मैं करते क्या, हम इसको लॉगिन कर लेते हैं। तो सिंपल सा मैं इसे लॉगिन कर चुका हूँ। इसका जो इंटरफेस जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, आपको एक यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का। इसका 2 से 3 प्रोसेस है, लेकिन वीडियो लंबा ना होगा, सबसे शॉर्टकट यही है, आपको इस वाले आइकन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, हम यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साइड में आ रही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले पूछा जाएगा कि यू आर एग्जिस्टिंग, ठीक है, यू आर एन एग्जिस्टिंग एक्सिस बैंक कस्टमर। ठीक है, अगर आपके इस बैंक में आपका अकाउंट है तो आपको एस करना है, अगर नहीं है तो आपको नो करना है। मेरा इस बैंक में अकाउंट है तो मैं सिंपल सा एस कर देता हूँ। एस कर देने के बाद आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और आपको यहाँ पर पैन कार्ड डालना है। तो देखेंगे कि आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है, इसमें आपका इसमें डेट ऑफ बर्थ डालना है और यहाँ पे पैन कार्ड डालना है। पैन नंबर जो यहाँ पे डालना होगा, जिसमें आपका आधार कार्ड पैन नंबर में जो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा वही आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेम डालना है। डाल देने के बाद आपको यहाँ पर सिंपल सा नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करके आपको यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, 1 टाइम पासवर्ड जो नंबर आप इसमें दे रखे होंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे करना क्या, आपको यहाँ पे ओटीपी फिल कर देना है, जैसे कि मेरे पास आ चुका है, मैं इसे सिंपल सा पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो टर्म एंड कंडीशन है इसे ऐसे एक्सेप्ट करने के बाद आई एग्री वाले पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट वाले बटन पे क्लिक करके आपको यहाँ से सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करेंगे तो जो भी डिटेल्स आप यहाँ पर फिल किए हैं वो आपके सारे के सारे डिटेल्स आपके सामने डिस्प्ले पर शो हो जाएगा। आपके मदर्स का भी नाम आ जाएगा अगर आपके इसी बैंक में अकाउंट होगा तो। फिर आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको एक चीज़ यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि नेम, ठीक है, नेम ऑन कार्ड, ठीक है। अब इस कार्ड पे क्या नाम रखना है इसके बारे में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे नाम पे सिंपल सा हमको रखना है, अपना ही नाम रखना है, गणेश कुमार। तो हमने यहाँ पर गणेश कुमार यहाँ पर लिख डाला। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। आपको यहाँ पर देख लेना है कि कौन कौन सा चीज़ यहाँ पर सिलेक्टेड नहीं है, जैसे कि यहाँ पर एजुकेशन के बारे में बताया जा रहा है, एजुकेशन, ठीक है। तो मैं अपना यहाँ पे एजुकेशन जो है एजुकेशन मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, एजुकेशन मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ से पूछा जा रहा है कि डू यू वांट टू रिसीव योर क्रेडिट कार्ड एट द एव एड्रेस, यानी कि आपके पास जो इस बॉक्स में जो एड्रेस डाला हुआ है अगर आप उसी पर रिसीव करना चाहते हैं तो आपको यस करना है, अगर आप रिसीव उस पर नहीं करना चाहते हैं तब यहाँ पर नो भी कर सकते हैं। तो मुझे इसी एड्रेस पे रिसीव करना है तो मैं इसे सिंपल सा एस करता हूँ। उससे बाद ये पूछा जाता है कि ऑफिस है या फिर रेसिडेंशियल है, ठीक है, तो रेसिडेंस वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर देते हैं। अगर आप ऑफिस का नंबर इसमें दे रखे हैं, एड्रेस दे रखे हैं, तो यहाँ से ऑफिस वाले पे भी क्लिक कर सकते हैं। उसका नेक्स्ट वाले बटन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहाँ से पूछा जा रहा है कि आप क्या करते हैं, यानी कि आप सेल्फ एम्प्लॉय है या फिर आप सैलरी है, या सैलरी में कहीं जॉब कर रहे हैं या फिर आपका खुद का कोई बिजनेस है या शॉप है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, मैं यहाँ पे सेल्फ वाले ऑप्शन पर डाल देता हूँ। उसके बाद पूछा जा रहा है कि किस चीज़ का बिजनेस, आई मीन कि कितना तक कमा लेते हो, ठीक है, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ 1 लाख से 15 लाख तक, आई मीन 1.5 लाख तक। उसका नेचर बिजनेस पूछा जा रहा है कि आपको यहाँ पर कौन सा बिजनेस है, इसके बारे में आप यहाँ पर दीजिए। तो यहाँ पर मेरा सर्विस का है, सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, तो मैं यहाँ पर इसे फिल कर दिया हूँ। उसके बाद पूछा जा रहा है कि ओनरशिप टाइप यानी कि प्राइवेट लिमिटेड है, ठीक है, या सोलर, आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। तो यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड है मेरा, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे चूज कर चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ़ यानी कि नंबर ऑफ़ ईयर ईयर इन बिजनेस,
ठीक है, नंबर ऑफ ईयर इन बिजनेस, तो आपको यहाँ पे कितने साल से बिजनेस कर रहे हैं उसके बारे में आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप सैलरी वाले आते हैं तो सैलरी वाले पे क्लिक कर देने के बाद आपको एनुअल इनकम जो होगा, एनुअल इनकम आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, और इंडस्ट्री टाइप यानी कि आप कौन सा इंडस्ट्री में थे इसके बारे में आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है सिंपल सा। ठीक है, आपको यहाँ पे चूज कर लेना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे चूज कर लिया। उसके बाद यहाँ पे करेंट ऑर्गेनाइजेशन नेम यहाँ पर डालना है, तो यहाँ पे आप अपना नाम डाल सकते हैं कि कौन सी कंपनी में अभी आप काम कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया हूँ। उसके बाद यहाँ से आप पूछा जा रहा है कि करेंटली और यानी कि ट्रेन इन करेंटली जॉब ईयर, यानी कि आपको यहाँ पे देखना है कि आप यहाँ पे जॉब कब से कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे जॉब के बारे में देता हूँ, जब से मैंने यहाँ पे जॉब किया है, यानी कि 2020 है 19 है। आपको यहाँ पे सिंपल सा ये आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है। तो मैंने 19 से कर रहा था, तो यहाँ पे यानी कितने साल से आप जॉब कर रहे हैं ये आपको यहाँ पे सर्च करना है। तो मैंने यहाँ पे सिंपल सा सर्च कर दिया हूँ कि 2 साल। ठीक है, उसके बाद आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे टोटल वर्क एक्सपीरियंस जो है यहाँ पे आपको डाल देना है। ठीक है, टोटल वर्क एक्सपीरियंस है जो कि आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको यहाँ पे नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करके आपको यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा क्रेडिट कार्ड लेना आप चाह रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे फ्लिपकार्ट का है, तो अगर आप क्रेडिट कार्ड अगर आपको मिलता है तो इस टाइप का आपको क्रेडिट कार्ड मिलेगा। जो कि यहाँ पे देखेंगे कि ज्वाइनिंग फ़ी 0 है, लेकिन आपका एनुअल फ़ी, ठीक है, एनुअल फ़ी आपको 500 यानी कि 500 रुपये आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, सेकेंड ईयर ऑनवार्ड यानी सेकेंड ईयर से यानी दूसरे साल से आपको यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का जो फ़ी जो एनुअल होगा वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। लेकिन ये जो है ये एप्लीकेटेड होगा फ्लिपकार्ट से। अगर आप इसे स्लाइड करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आपको यहाँ पे फिर से यहाँ पे दिखाया जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे आप स्लाइड कर करके यहाँ पे देखेंगे स्लाइड करने वाला ऑप्शन आ चुका है, तो आपको यहाँ से देख लेना है कि आपको यहाँ पे कौन सा जो कार्ड है वो लेना है। लेकिन मुझे यहाँ पे फ्लिपकार्ट का लेना है, तो फ्लिपकार्ट पे यहाँ पे रहने देता हूँ। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा वेट करने के लिए बोला जा रहा है, यहाँ जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या प्रोसेस हो करके आ रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे मेरे पास मैसेज आ चुका है, थैंक यू फॉर अप्लाइंग एक्सिस बैंक फ्लिपकार्ट फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड का। ठीक है, तो हम यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखा भी देते हैं, आप यहाँ पे देख पाएंगे कि मेरा जो है यहाँ पे एक्सिस बैंक का जो है वो अप्लाई हो चुका है। तो इस जो मेरा एप्लीकेशन नंबर है, ठीक है, योर एप्लीकेशन आईडी, इससे हम सर्च कर सकते हैं कि मेरा यहाँ पे क्या हुआ। देखिए कि यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, सॉरी वी आर अनअवेलेबल टू प्रोसेस विथ योर एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड अप्लाई, थैंक यू फॉर शोइंग इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर। ये है यानी कि मेरा यहाँ पे सिंपल सा सीधे के सीधे यहाँ पे मेरा जो फ्लिपकार्ट का जो है जो मैंने अभी क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया था वो यहाँ पे रिजेक्ट हो गया है। लेकिन फिर से इसे हमें यहाँ पे सर्च कर देना है क्योंकि यहाँ पे लिख चुका है रिजेक्टेड। ठीक है, तो आप इसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा वो भी मैं आपको बताऊँगा आपके दूसरे वीडियो में। क्योंकि आपको क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो आपको इस बैंक जैसे कि एक्सिस बैंक का हो गया, यहाँ से बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ जाता है एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड कोई भी क्रेडिट कार्ड लेने में। लेकिन आपको सिंपल सा क्रेडिट कार्ड लेना है तो आपको मैं एक एक दूसरा बैंक के बारे में बताऊंगा जहाँ से आप बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छे तरीके से विदाउट इंटरेस्ट आप यहाँ से क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं बहुत ही जल्द आपसे अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए जय हिंद।